दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व के नेताओं को इस महामारी का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इसके खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को एकजुट होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा कि महामारी अभी भी तेजी से फैल रही है और संक्रमण के मामले में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना का सामना करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनाम घेब्रेयेसस की टिप्पणी के अनुसार स्थानीय अस्पतालों में तनाव के कारण ब्राजील, इराक, भारत, दक्षिण और पश्चिमी अमेरिका राज्यों में संक्रमण की संख्या बढ़ गई है। न्यूयॉर्क सिटी, जो अमेरिका में इस महामारी का मुख्य केंद्र रहा, सोमवार को कई कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के कई प्रतिबंधों को उठा लिया गया। ऐसे में महामारी को नहीं हरा सकते, उन्होंने कहा। अब हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा वायरस नहीं बल्कि ये वैश्विक एकजुटता और वैश्विक नेतृत्व की कमी है। हमें बाजित दुनिया के साथ इस महामारी को नहीं हरा सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने महामारी के लिए अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया के लिए WHO की जमकर आलोचना की है और उन्होंने महामारी फैलाने के लिए चीन के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी दोषी माना। साथ ही इस संबंध में जांच कराने की बात भी कही। ट्रंप ने WHO के लिए सभी अमेरिकी निधियों को समाप्त करने की धमकी भी दी। अभी वक्त लगेगा, उन्होंने कहा। कोरोना महामारी ने प्रदर्शित किया है कि वास्तव में दुनिया तैयार ही नहीं थी। विश्व स्तर पर यह महामारी अभी भी तेजी से फैल रही है। दुनिया भर की ढेरों कंपनियां COVID-19 का मुकाबला करने के लिए एक वैक्सीन खोजने में जुटी हुई हैं और इस बात को लेकर तीखी बहस हो रही है और कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वैक्सीन का उचित वितरण किया जाए।